बैक आफ्टर द ब्रेक. हम बात कर रहे हैं फातिमा से, जिन्होंने पहला लेवल पार कर लिया है. उनके पास दो लाइफ लाइन अभी भी मौजूद है. अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले लेवल की ओर. ठीक है फातिमा, फुल कॉन्फिडेंट? चलिए, सेकंड लेवल का पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए 15 शवाल, बी 12 मुहर्रम, सी 23 रबीउल अव्वल या फिर डी 29 ज़िलक़ादा. 29 ज़िलक़ादा महफूज कर दूं? क्या लगता है आपको, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख क्या है? ए 15 शवाल. आपको लगता है 15 शवाल? बी 12 मुहर्रम, सी 23 रबीउल अव्वल या फिर डी 29 ज़िलक़ादा. कंफ्यूज हुई ए और डी में. आप कंफ्यूज हैं ए और डी में? यस. आपके पास लाइफ लाइन है फातिमा, 50-50 और फ्लिप. आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आप कहीं भी, अगर आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो या आपको जवाब नहीं पता. 15 शवाल. शो आप कंफ्यूज है तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं. 15 शवाल. श्योर. इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख क्या है? 15 शवाल, 12 मुहर्रम, 23 रबीउल अव्वल या फिर 29 ज़िलक़ादा. आपके पास लाइफलाइन है फ्लिप एंड 50-50. 50-50 यूज करना चाहूंगी. आप 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी फातिमा? यस. कंप्यूटर फातिमा 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी. आप हमारे सामने एक सही और एक गलत जवाब रखिए और बाकी के दो गलत जवाब मिटा दीजिए. फातिमा, बी 12 मुहर्रम और डी 29 ज़िलक़ादा. डी 29 ज़िलक़ादा. डी 29 ज़िलक़ादा को महफूज कर दूं? यस. कंप्यूटर डी 29 ज़िलक़ादा को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं. डी इज द राइट आंसर. अगर आप 15 सवाल बोलती तो वो गलत जवाब होता. चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. इनमें से जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम किस नबी की तलाश में निकले? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत लूत अलैहिस्सलाम, बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम या फिर डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम. सी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम. सी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम. यस. मैं पूछ कर दूं? यस. श्योर? यस. कोई डाउट नहीं? नो. चलिए, कंप्यूटर सी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं. इज द राइट आंसर. आपको ये वाक्य पता है? यस. yes. सुना है ना? क्या है ये वाक्य, हमारे साथ शेयर कीजिए. हजरत मूसा को मतलब जिब्राइल ने आके कहा गया कि आपसे भी ज्यादा इल्म किसी और नबी के पास है, तो उन्होंने पूछा कि किसके पास है, तो हजरत खिज्र का नाम लिया गया, फिर वो उनकी तलाश में निकले. बहुत बहुत. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फातिमा. ये जो अगला सवाल है, आपके सामने एक ऑडियो प्ले किया जाएगा. आपको पहचानना है कि ये कौन सा सूरा है. प्ले दी ऑडियो. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. आपके ऑप्शंस हैं ए सूरे कुरैश, बी सूरे वन्नास, सी सूरे जुमा या फिर डी सूरे वाकिया. सी सूरे जुमा. सी सूरे जुमा. शो महफूज कर दो. यस. कंप्यूटर सी सूरे जुमा को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं. सी सूरे जुमा इज द राइट आंसर. ये सूरे जुमा की आयत है. चलिए बहुत खूब, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फातिमा. अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. इनमें से किस नबी से चूंटी ने बात की थी, एंट ने बात की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम. बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम. श्योर? यस. महफूज कर दूं? यस. चलिए, कंप्यूटर बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं.
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर. ये वाक्य पता है आपको? हाँ, जब वो एक रास्ते से गुजर रहे थे तो चींटी के सरदार ने कहा कि हटो यहाँ से रास्ते में, तो हजरत सुलेमान आके नीचे और पूछे उनसे, तो उन्होंने बात करना शुरू की उनसे. जी, ये पूरा वाक्य है. बहुत खूब. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो जानवरों से बात किया करते थे. बहुत खूब. आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. फातिमा, किस इमाम ने अपने बेटों का नाम हजरत अली अलैहिस्सलाम के नाम पर रखे? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, या फिर डी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम. सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम. सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम. यस, श्योर. श्योर, कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं, क्योंकि इनके तीन बेटे थे, पहला अली अकबर, इमाम अली और हजरत अली असगर. तीनों बेटों का नाम अली से ही शुरू होता है. बहुत खूब. चलिए देखते हैं आपका जवाब और आपकी रीजनिंग सही है कि नहीं. कंप्यूटर, सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं. सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर. बहुत खूब, आपकी रीजनिंग सही थी. चलिए, बहुत खूब. फातिमा, आपने सेकेंड लेवल भी पार कर लिया है. आपके पास सिर्फ एक लाइफलाइन है जो है फ्लिप. कोई बात नहीं, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले लेवल की ओर फातिमा. लेकिन उससे पहले हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक. ठीक है, चलिए नाज़रीन, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक.